वेद बहुत फेमस थे, जिसमें मनुस्मृति ज्यादा पॉपुलर थी इंडिया के अंदर, जिसमें लोगों को कर्म के आधार पर डिवाइड किया गया था, मगर बाद में लोगों को कास्ट सिस्टम के आधार पर डिवाइड किया। बाद में फर्स्ट कैटेगरी में ब्राह्मण, सेकंड में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले ये सिस्टम अलग था, राजा जैसा कार्य करता था उसको उसी नाम से पुकारते थे। अगर राजा विद्वान है, लड़ नहीं सकता, तो भी राजा नहीं बन सकता सर। फिर ये चीज को उन्होंने कर्म के आधार पर डिवाइड किया। राजा लड़ना नहीं जानता है तो चाणक की सेनापति रखते थे, अगर विद्वान नहीं है तो चाणक जैसे प्रोफेसर रखते थे। अब बिजनेस नहीं जानता है तो उनके यहाँ पर अलग बिजनेस मैन रखते थे। तो ये सिस्टम को उन्होंने कर्म वाली चीज को उन्होंने जाति आधार पर डिवाइड किया। ये जो स्पॉट है, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा तीनों रानियों के बारे में, सॉरी उनकी वाइफ थी, उनके बारे में कहा जाता है कुंडली का आर्किटेक्चर है। किंग सीट पर जो बैठते थे उनका मुकुट ऐसा होता है, मुकुट कैप, ये मुकुट आर्किटेक्चर है। यदि फाइटिंग के लिए जाते हैं तो ये सिंबल मिक्स एनिमल वाला, फेस्टिवल के लिए पिकॉक चेन, तो ये उनके अलावा सिंबल है। अभी